वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक सॉफ्ट बोर्ड विदाउट चार्ट पेपर, विदाउट चार्ट पेपर नहीं, विदाउट कार्डबोर्ड एंड विदाउट फोम। ठीक है, सो पहले हम स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, नेबर्स, एवरीवेयर। ओके, सभी पहले हम देखते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए रहेंगे। हमें चाहिए रहेंगे सिजर्स, पेंसिल, स्केल एंड रबर और अपनी इम्पॉर्टेंट चीज चार्ट पेपर। ओके, सो हमें, मैंने पिंक चार्ट पेपर लिया है। आप कौन से भी कलर का चार्ट पेपर चाहिए रहेगा और अपने को यहाँ से मतलब थिक चाहिए रहेगा। अगर अपन देखने लेंगे तो सॉफ्ट बोर्ड नहीं बन पाएगा। ओके, तो फर्स्ट हम इसको ऐसे रख देते हैं। ओके गाइस, हम इसको अब ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। ओके, तो ये हमारा बन गया, ये सॉफ्ट बोर्ड जैसा। ठीक है, अब इसमें हम पहले तो देखेंगे कि हमें कैसी डिज़ाइन चाहिए और अपना एक्स्ट्रा जो भी पार्ट रहेगा वो हम काट लेंगे। क्या करेंगे, काट लेंगे। ठीक है, सो मैं काटती हूँ। सो आप देख सकते हैं मैंने पूरी फिनिशिंग से एक काट लिया है। मैं आपको उल्टे साइड से दिखा देती हूँ। ठीक है, तो आपको दिख रहा है पूरा नीट है। अगर ये थोड़ा सा भी अलग कटेगा तो आपका ये सब कुछ नहीं दिखेगा। हम इसकी बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे, हम एक सिंपल सा बनाएंगे। ओके, सो अब हम इसको थोड़ा सा शेप, मतलब थोड़ी सी डिज़ाइन करने के लिए पेंसिल लेंगे और आपको जो मर्जी है आप डिज़ाइन कर सकते हो और उसमें कलर भी कर सकते हो। तो मैं एक चीज़ मतलब मैं एक बनाऊंगी कि अपन क्या करेंगे, बॉर्डर बनाएंगे, बॉर्डर जैसा बनाएंगे। तो बॉर्डर में हम जैसे कि फोटो फ्रेम रहता है तो हम पेबल्स जैसा बनाएंगे, एक दो तरफ स्लांटिंग में और उसके साथ हम यहाँ पे ये दोनों जगह हम बनाएंगे फूल। ओके, फ्लावर, हम अलग तरीके का फ्लावर बनाएंगे। ओके, सो पहले हम पेबल्स बनाते हैं। हमें ओवल कलर, ओवल पेबल्स चाहिए। और वो कौन से कलर के होने चाहिए, वो कलर होना चाहिए उसका ग्रेइश कलर। आप स्केच पेन से कर सकते हो, क्रेयॉन से कर सकते हो। ओके, सो मैं पेबल्स बनाती हूँ पहले। सो ये देखिए, देख सकते हैं आप पेबल्स, मैं आपको दिखाती हूँ। हमें चाहिए चार पेबल्स चाहिए हमें और वो नीटली होना चाहिए वरना वो पेबल्स लगेंगे ही नहीं। तो मैंने देख सकते हैं मुझे हमें पेबल्स बना चुके हैं। तो हम उसको एक बार नीट कर देते हैं और हमें स्केल इसलिए लगेगा क्योंकि हम एक अलग तरीके का फूल बना रहे हैं ना। तो हमें ये देखिए, मैंने इसको नीट कर चुका है, देख सकते हैं एट दिस बॉर्डर। और आपको और नीट करना है तो आप और नीट कर सकते हो। अब हम यहाँ पे एजेस बनाएंगे जहाँ ये फोल्ड है। अगर हम फोल्ड नहीं करेंगे तो हमारा ये सॉफ्ट बोर्ड नहीं बन पाएगा, वो पिन जाएगी और निकल जाएगी, मतलब इतना वो होता है। और आप घर पे भी बना सकते हैं अपना ये पिन्स जो होती है ना, सॉफ्ट बोर्ड की पिन्स, आप घर पे भी बना सकते। मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया है बट आप बना सकते हो, अच्छी चीज़ें बनाने के लिए। पता नहीं मुझे क्या क्या चीज़ें लगती है पर हाँ बना सकते हैं। आप उसको पेंसिल से भी कलर कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, क्योंकि पेंसिल से करोगे तो वो ग्रेश ही दिखेगा। ओके, सो अब हम देखते हैं कलर करके। देखिए ये पेबल्स जैसा शेड आ रहा है आपके इधर, जैसे आप करोगे ना तो ये पेबल्स जैसा शेड आएगा। थोड़ा सा आपको डार्क करना पड़ेगा वरना फिर ये अच्छा नहीं दिखेगा, पेबल्स जैसा कलर नहीं दिखेगा इसका। लाइट भी कर सकते हैं, डार्क भी कर सकते हैं। लाइट करोगे तो ज़्यादा अच्छा है मेरे को।
ओके सो देखिए मैंने अभी ये बना चुका है बबल्स का कलर, देख सकते हैं आप मैंने कलर किया। आपको थोड़ा सा गैप रखना पड़ेगा क्योंकि ना फिर वो अच्छा नहीं लगता है। अगर आप गैप नहीं रखोगे ना तो वो गैप अच्छा नहीं लगेगा, गैप रखना चाहिए। ठीक है, हम अलग तरीके के बना रहे हैं, हम फूल फूल ज़्यादा नहीं करते, पेबल्स देखेंगे, ये नई चीज़ है ना। तो मैंने ये कलर कर चुका है, देख सकते हैं आप। मैं थोड़ा सा और डार्क कर देती हूँ आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है। देख सकते हैं आपको ये पेबल्स दोनों जगह। ओके, अब हम इसमें फूल कैसे बनाएंगे, हम फूल को कैसे डिज़ाइन करेंगे, मैं एक बार आपको, आप पहले ना ये कोने में करो जहाँ फोल्डेबल नहीं, मतलब मैं बता दूँ यहाँ पे करो, यहाँ पे मत करना ज़्यादा, पहले यहाँ पे मत करना, पहले आपको यहाँ पे करना है कि आपको आइडिया पड़ेगा। हाँ मैं नहीं तो फिर अगर आप वहाँ पे करेंगे ना पहले तो आपका वो जो भी आप जिसमें भी कर रहे हो उसमें आपको अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो पहले आपको यहाँ पे ग्रिप बनानी है। तो हम फूल बनाएंगे, एक लोटस जैसा बनाएंगे हम, ठीक है। तो पहले हम एक ऐसा डायमंड शेप बनाते हैं, आपको तो पता ही होगा रोज कैसे बनाते हैं, मतलब सॉरी लोटस। सो आप देख सकते हैं, मैं एक बार दिखाती हूँ आपको, एक पैराशूट जैसा बनाया मैंने, नॉट अ फ्लावर, इट्स अ लाइक पैराशूट। ओके सो मैं दूसरी साइड भी ग्रिप बनाने का देखती हूँ। सो व्हाट्स दैट, ओके सो फर्स्ट डायमंड, देन ओवल टाइप का शेप का बनाना है ना। तो पहले अगर आप वहां पे ग्रिप नहीं बनाओगे तो आपका नहीं बन पाएगा। तो मैं भी और इसको अंदर से हम फिर से शेडिंग ही करेंगे जैसे हमने पहले में वो पेबल्स में की थी, या फिर आप कलर भी कर सकते हैं आपकी मर्जी, मैं तो आधा शेडिंग कर रही हूँ। वैसे लोटस नहीं है ये, अलग ही टाइप का है, ये पैटर्न नया पैटर्न है एक तरीके का। सो अब दिखाती हूँ मैं आपको, एक बार फिनिशिंग हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप, मैंने आधे जगह की शेडिंग की है, छोटा बड़ा छोटा बड़ा, क्या है वो अच्छा लगता है, कभी ट्राई करना, ये बहुत अच्छा लग रहा है। छोटे से बड़ा करना तो मतलब बड़ा अंदर और फिर छोटा बाहर। ओके सो मेरी यहाँ की भी शेडिंग हो चुकी है। सो हम आप ऐसे ही ज्यादा भरोगे ना तो आपको सॉफ्ट बोर्ड के लिए जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अभी हम मैंने ये कर लिया, अब हम इसका ये साइज नापेंगे, ठीक है। तो अब साइज नाप के हमें देखते हैं, लाइटली एकदम एकदम लाइट बनाना कि हम वहां पे ना एकदम लाइट, यहाँ पे नहीं बनाना है, सिर्फ यहाँ पे लेंथ में बनाता है, मतलब जो भी ब्रेथ लेंथ बोलते हो आप, तो वहाँ पे बनाना है, बहुत लाइटली बनाना है। और आपको शार्प पेंसिल यूज करनी है, शार्प पेंसिल से आपको अच्छी शेडिंग मिलेगी। ओके तो मैंने देख सकते हो आप, मैंने बना चुका है, आपको दिखेगा नहीं कि ये वाइट है पेंसिल क्योंकि मैंने पिंक कलर लिया। तो अब हम यहाँ पे लाइन बना चुके हैं, तो हम एक जैसे कि हम एक कलर शेड कलर करेंगे, तो हमें मैंने बोला नहीं कि इंग्रेडिएंट्स भी कलर चाहिए रहा है, पर हमें कलर्स चाहिए क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा खाली खाली रहता है, तो मैं मेरे पास कलर्स हैं। सो गाइस मैंने ये कलर्स आ चुके हैं ऑयल पेस्टल्स। सो हम जैसे कि ये पिंक है,
तो हम यहाँ पे मतलब पहले पेंसिल से ड्राइंग करेंगे एक, जैसे कि कुछ भी आप कर सकते हैं। मैं तो ना एक वैसी ड्राइंग कर रही हूँ, सिंपल सी सादी सी ड्राइंग, सिंपल ड्राइंग है। सो मैं बताती हूँ आप। सो गाइस, मैंने एक तरफ ऐसी ड्राइंग बनाई है, अब हम ऐसे उल्टे में यहाँ पे दूसरी तरफ बनाएंगे। मैं बताती हूँ, जैसे कि अपन यहाँ पे बनाएंगे तो हम यहाँ पे बनाएंगे ऐसे। मैं बताती हूँ आपको, एक सेकेंड ना, वन सेकेंड। ओके, सो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने ऐसा बनाया है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया था। ओके, सो मैं बनाती हूँ। ओके, सो गाइस, मैंने बना चुका है दोनों तरफ लाइक अ फिश। सो अब हम वो लाइन को मिटा देते हैं, पर बहुत धीरे से। हाँ, तो हम क्या करेंगे, एक नई ट्रिक है, जैसे कि हम वहाँ पे स्केल रखेंगे, ठीक है, और हम यहाँ पर रब कर देंगे। थोड़ा सा पीछे भी ले सकते हो आप, अगर आपको लेना है तो आप जो एक्स्ट्रा होता है ना, तो वो मिट जाता है, मतलब क्योंकि हमने इसलिए लाइट बनाया है। ओके, तो मैं आपको दिखाती हूँ जब मेरा ये हो जाएगा। तो मैंने इस तरफ ज़्यादा डार्क बना दिया गलती से, तो मैं इसको अब अच्छे से इरेज करती हूँ। आपको थोड़ा सा तो गैप रखना ही पड़ेगा स्केल में और पेंसिल शेडिंग में। तो हम एक मिनट देख सकते हैं आप, देख सकते हैं मैंने लाइन मिटा दी है, यहाँ पे थोड़ी सी लग रही है, पर हो जाएगा, वो तो छुप जाएगी जब हम कर वो कर लेंगे। अब हम कलर करते हैं। हाँ, अब हम कलर, ये पिंक है, जो आप कलर लेंगे उससे हमें डार्क लेना है या फिर लाइट का। अगर आप डार्क पेपर ले रहे हो तो आपको लाइट कलर यूज करना है, अगर आप लाइट कलर का पेपर ले रहे हो तो आपको डार्क पेपर यूज करना है, डार्क कलर मीन्स। तो मैं अभी इसका एक कॉन्ट्रास्ट है रेड, रेड इज अ डार्क कलर एंड वी कैन टेक इट। सो मैं ओके, सो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, अगर आपको यहाँ पे पेबल्स इधर करना है तो फिर आपको यहाँ पे फिलिंग भी भरनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं वहाँ पे थोड़ा थोड़ा ही करूँगी। ओके, लाइक अ शेडिंग, मैं आपको जस्ट बताती हूँ। और अगर आपने लाइक गलत भी बना दिए, मतलब वो सर्कल जैसा भी आप बना रहे हो, तो आपको कलर से फिलअप कर देना है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम रेड करेंगे दो दो ब्रिक्स में, दो जो भी आप बना रहे हो रेड करेंगे, और उसका ही कॉन्ट्रास्ट हम येलो करते हैं, ठीक है, रेड येलो और अच्छा लगेगा। पर येलो लाइट कलर है तो हम फिर ऑरेंज यूज कर सकते हैं, ऑरेंज भी एक डार्क कलर टाइप का है, दिखेगा नहीं बट अच्छा लगेगा कलर, ये सबका ही फेवरेट है आज ऑरेंज। किसी के साथ पिंक है, रेड है, ऑरेंज है, मेरा तो ऑरेंज एंड पर्पल है। अब हम रेड करते हैं। सो गाइस, हमारा पूरा हो चुका है। ओके, सो मैंने कहीं ज़्यादा कहीं कम कर चुका है। सो अब हम, हमारा ये बन चुका है सॉफ्ट बोर्ड, अब मैं इसको लगा के दिखाती हूँ, ठीक है। ओके, सो पहले हम इसकी सॉफ्ट बोर्ड पिंस देख लेते हैं। जो भी सॉफ्ट बोर्ड पिन होती है वो होती है ये, इट्स दिस, ये होती है सॉफ्ट बोर्ड पिन। आपने देखा होगा आपकी भी टीचर, जैसे कि आप पहले में टीचर आपकी लगाती है ये सॉफ्ट बोर्ड में, तो हम मैं ये लगा के बताती हूँ। सो गाइस, मैंने ये ले चुका है। सो अब मैं ये ओरिगामी पेपर होता है, एक स्क्वायर का होता है, रेक्टेंगल में मिलते हैं, तो हम इसको फोर पीसेस में कट कर देंगे। मैंने थोड़ा सा डार्क पिंक लाया है,
तो फर्स्ट हमें स्केल, या फिर आप कुछ भी ले सकते हैं अलग। ओके, सो आप स्केल से देखो कि आपका ये वाला पार्ट इससे मैच हो रहा है कि नहीं, आप मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। सो हम स्केल को थोड़ा सा इधर लाएंगे। ओके, सो ये मैंने एक नई ट्रिक लगा ली है, दिस इज अ न्यू ट्रिक विच आई हैव रिमूव्ड। ओके, सो आप देख सकते हैं कोई भी गैप नहीं है इधर या फिर इधर। सो हम इधर फोल्ड करने का सोच रहे हैं। सो हम इसको एक बार अच्छे से फोल्ड करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं मेरा कोई फोल्ड गंदा नहीं आया है। अब हम इसको खोलेंगे अगेन। ओके, एंड हम फिर इसको फिर से, मैं तो अभी इजी ट्रिक लगा दूँ, तो ये है, अब हमने ये 4 पीसेस कट कर चुके हैं। ओके, आप रेक्टेंगुलर से भी काट सकते हैं, और अब मैं इसको काटती हूँ। सो गाइस, मैंने ये 4 पीसेस काट चुके हैं, तो मैं बताती हूँ आपको। सो अब जैसे कि मैं अगर रेड कलर का पिन ले रही हूँ, तो आपको इधर नहीं रखना है, आपको अपने लैप पे रखना है कहीं पर भी, और फिर आपको यहाँ से दोनों तरफ से, ठीक है, मैं बताती हूँ आपको, ये दोनों तरफ से आपको पकड़ना है, ठीक है, या फिर एक तरफ से, और फिर आपको यहाँ पे पिन लगा देनी है ये वाली। बी केयरफुल, ओके, बी केयरफुल, देख सकते हैं यहाँ पे बाहर एक पिन दिख रही है आपको, हाँ वही सॉफ्ट बोर्ड पिन है। तो देख सकते हैं कितनी मस्त बना है हमारा सॉफ्ट बोर्ड पिन। ओके, तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। ओके, बाय, मैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊंगी।